हे गाइस, तो मैं फाइनली गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 देखकर आ गया हूँ। और सच बताऊँ, ये मूवी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है, क्योंकि जो फ्लेवर था ना जेम्स गन का, वो इस मूवी में पूरी तरह से छाया रहता है। और सच में जिस तरह से उन्होंने ये मूवी बनाई है ना, वो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है। मतलब हर एक कैरेक्टर को प्रॉपर टाइम, प्रॉपर स्क्रीन टाइम दिया गया है, जिसके कारण ये मूवी में हर एक कैरेक्टर के साथ हम कनेक्टेड रहते हैं। और जो एक कॉन्वर्सेशन है मतलब गमोरा का, वो देखने लायक है। मतलब उसके कारण हमें काफ़ी ज़्यादा एक अपना सा महसूस होता है इन सारे कैरेक्टर्स के साथ, क्योंकि उसमें हमें पता चलता है ये कैरेक्टर्स कितने ज़्यादा ग्रो हुए हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इस मूवी में सारी चीज़ें काफ़ी बैलेंस्ड रखी गई हैं। मतलब फिर चाहे आप किसी भी चीज़ की बात करो, एक्शन, कॉमेडी या इमोशनल सीन्स, ड्रामा, वो सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं। विलन मुझे पसंद आया, लेकिन थोड़ा वीक था, थोड़ा और बेटर हो सकता था। और अगर आप गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी सीरीज़ को फॉलो करते हो, मतलब तीनों ही पार्ट्स को, तो आपको एक पता चलेगा कि इसके विलन्स को काफ़ी ये तो नहीं कहूँगा कि काफ़ी ईजिली हरा दिया जाता है, लेकिन हाँ, वो जो कॉम्बैट होता है वो वैसा नहीं होता जैसा हम मार्वल की मूवी से एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे एंड गेम वगैरह से एक्सपेक्ट कर रहे थे। और अगर आप लोगों ने इस मूवी के रिलीज होने से पहले इसके प्रमोशन स्ट्रैटेजी देखी होगी, तो काफ़ी ज़्यादा कंपेयर किया जा रहा था इसे एंड गेम से, लेकिन उसके आसपास तो नहीं है ये मूवी। मतलब स्पेशली एक्शन में, बाकी ओवरऑल मूवी मुझे काफ़ी पसंद आई है। एक्टिंग वगैरह की तो क्या ही बात करें हम, क्योंकि हम सभी इन कैरेक्टर्स को जानते हैं। इन कैरेक्टर्स ने वैसे ही प्ले करा है जैसे ये पिछली दो मूवीज़ में कर रहे थे। डायरेक्शन मुझे काफ़ी पसंद आया, इस बार भी पहले की दो मूवीज़ में भी मुझे पसंद आया था, और इस बार भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। स्केल भी इस मूवी का काफ़ी अच्छा है, इसके कारण ये मूवी जो हमें फील कराना चाहती है या फिर जो हमें विजुअलाइज कराती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो ओवरऑल तो मैं यही बोलूँगा कि ये मूवी मुझे काफ़ी पसंद आई है, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा था। आई एम सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मेरे घर पे लाइट नहीं है इसके कारण, है ना, थोड़ी सी तो उसके कारण बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, सॉरी। तो मूवी तो मुझे ओवरऑल काफ़ी पसंद आई है। अगर आप लोगों ने ये मूवी देखी तो मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।